नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर जेएस बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, लाइफ कोच और मेंटोर भी। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा, आईटीएसएम, ईएएसएसएम और इसका गुरु। पिछले दो वीडियोस में हमने आपको चैप्टर वन के अमेंडमेंट और उनके इंपॉर्टेंट्स के बारे में बताया था, और फिर हमने चैप्टर टू और उसमें इंपॉर्टेंट और उनके अमेंडमेंट्स के बारे में बताया था। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर थ्री, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स जो है, उनके अमेंडमेंट्स और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर तीन के अमेंडमेंट्स को और उसमें होने वाले इंपॉर्टेंट्स को। तो जैसे कि आपको पता है, इंस्टीट्यूट ने अमेंड किया है, हर चैप्टर को अमेंड किया है इसमें, तो चैप्टर थ्री भी इससे अछूता नहीं है। जैसे कि आपके सामने है टॉपिक है जिसका नाम है डेटा रिसोर्स, देख रहे हैं आप 3.3.3, ये इंस्टीट्यूट ने अमेंड किया। कहां अमेंड किया है आओ आपको नोट्स बता देते हैं। पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 12 में बात कर रहा हूं, आप जरा देखें, यहां अमेंड किया गया है। मैंने आपको बताया भी था, डिलीशन करते वक्त भी बताया था मैंने आपको, पेज नंबर 12 में कंसेप्ट हमारा बिग डेटा, ध्यान आ रहा है सभी को? बिग डेटा किसको कहते हैं? विच डेटा विच इज मैसिवली लार्ज डेटा एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल डेटाबेस। और नॉर्मल जो डेटाबेस होते हैं बड़े छोटे होते हैं, ये डेटाबेस बहुत बड़े होते हैं। हमने एग्जांपल भी दिए थे, जैसे वॉलमार्ट का डेटा होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा होता है, रेलवे का डेटा होता है, गूगल डेटा सेंटर पर रखा हुआ डेटा होता है, ये सारे बड़े बिग डेटा कहलाते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने इस बिग डेटा में एक अमेंडमेंट किया है बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा करके। तो आओ अपन उसको पढ़ते हैं, क्या इंस्टीट्यूट ने नई चीज हमारे लिए लागू की है। तो देखें अपन अमेंडमेंट में इंस्टीट्यूट क्या लेके आई हमारे लिए। ये रहा डेटा रिसोर्स नाम का टॉपिक 3.3.3, उसमें है बिग डेटा और इंस्टीट्यूट हमारे लिए लाई है बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। क्या लाई है? बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। तो देखो तीन तरीके का बेनिफिट अपन देखने जा रहे हैं इसमें, एक एक करके आज इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट बेनिफिट हमारा क्या है, एबिलिटी टू प्रोसेस द बिग डेटा ब्रिंग्स इन मल्टीपल बेनिफिट सच इज। जब आपका बिग डेटा होता है तो फिर आपको कई तरीके के बेनिफिट उससे मिल पाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए भी क्लासेस में कहा था, वॉलमार्ट का डेटा है वो कई तरीके की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उनके डेटा से एनालाइज करते हुए। इसी तरीके से वॉलमार्ट के अलावा हिंदुस्तान की बात करूँ तो रेलवेज का डेटा, स्टॉक एक्सचेंज का डेटा, ये सब हमारे बिग डेटा के ही उदाहरणों में माने जाएंगे। तो हमें इनको प्रोसेस करने से कई बेनिफिट मिल सकते हैं। और मैं कहूँगा इस कोविड सिचुएशन में हम हिंदुस्तान भर के डिफरेंट पेशेंट्स को किस तरीके से डील कर रहे हैं, कहाँ कितने पेशेंट क्वारंटाइन हो रहे हैं, कहाँ क्या फैसिलिटीज है, ये आने वाले समय में भी अपने आप एक बिग डेटा बन जाएगा। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखूं तो इससे भी हमें कई चीजें देखने को और समझने को मिलेंगे। उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे बिजनेस के तौर पर यूज करते हुए आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। आपको पता होगा पिछला जो ट्रम्प का प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था तो उसमें विपक्ष की पार्टियों ने आरोप लगाया था कि आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी का उपयोग किया था यूएस इलेक्शंस को इफेक्ट करने के लिए। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, फेसबुक के डेटा को एनालाइज करते हुए युवा लोगों की पसंद को समझा था और उसके हिसाब से उन्होंने कैंपेन में कुछ बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई थी, जिन बातों को करते हुए वो जो बाइडन जो उनके ओपोनेंट थे उनसे कुछ कदम आगे पाए। तो हम बिग डेटा को अगर एनालाइज करते हैं तो कई तरीके के बेनिफिट हमें मिल सकते हैं बिजनेस में, ये हमारा कहना है। तो उसमें से पहला बेनिफिट हम देख रहे हैं, एबिलिटी टू प्रोसेस द बिग डेटा ब्रिंग्स इन मल्टीपल बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट होते हैं? पहला, बिजनेसेस कैन यूटिलाइज आउटसाइड इंटेलिजेंस व्हाइल टेकिंग डिसीजन। हमें कौन सी डायरेक्शन में क्या डिसीजन लेना चाहिए ये बिग डेटा से हमें पता चल जाता है। जैसा मैंने चैप्टर टू के वीडियो में भी कहा था, इस पोस्ट कोविड सिचुएशन में जब हम थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ लौटेंगे तो कई नए तरीके के बिजनेस हिंदुस्तान में और दुनिया में होते हुए हम देखेंगे, और जो खास तौर से टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड होंगे, क्योंकि फिजिकल बिजनेस करना शायद अब उतना लुक्रेटिव पूरी दुनिया भर में नहीं रह पाएगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, हमें मास्क लेके चलना पड़ेगा। तो कई तरीके के बिजनेस में परिवर्तन आने जा रहे हैं, ये सब हमें बिग डेटा को एनालाइज करने से पता चलेगा, ये एक बेनिफिट होगा। सेकेंड, एक्सेस टू सोशल डेटा फ्रॉम सर्च इंजन जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है एंड सो ऑन आर इनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड ट्यून देयर बिजनेस स्ट्रेटजी। लोग इंस्टा पे क्या रख रहे हैं, ट्विटर पे क्या रख रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या रख रहे हैं, फेसबुक पे क्या रख रहे हैं, ब्लॉग पे क्या रख रहे हैं, रेडिट पे क्या रख रहे हैं, इन सबको देखने से पता चलता है दुनिया अब क्या चाह रही है। तो हम उस तरीके से अपनी चीजों को मूव कर सकते हैं। शायद पहले भी आपको पढ़ाते हुए कहा था, दुनिया की कई सेलिब्रिटीज हैं,
इंस्टाग्राम पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लाखों करोड़ रुपए ले लिया करते हैं। ऐसी कई सारी सेलिब्रिटीज हॉलीवुड और बॉलीवुड से भी आया करती हैं जो ऐसा काम करती हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि दुनिया क्या चाह रही है, इसकी फैन फॉलोइंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको वो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट को ब्रांड इंडोर्स करने के लिए कहा करते हैं सेलिब्रिटीज। थर्ड, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ड्यू टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर कहीं किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर दिक्कत आ रही है और हमारा जो ओपोनेंट है उसको अच्छे रिव्यू नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के रिव्यूज को इम्प्रूव कर लें या हम अपने सर्विसेज को इम्प्रूव कर लें, ये भी बिग डेटा से हमें बेनिफिट मिल सकता है एनालाइज करें। सेकेंड, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। समय पर जानकारी आ जाएगी कस्टमर क्या चाह रहे हैं, शायद हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर लेंगे। जैसे मैं कहूँ, पर्सनली कहूँ, मैं मुझे ऐसा लगता है और जो स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिल रहा है, स्टूडेंट घर बैठे अब उनसे कई तरीके की सर्विसेज चाह रहे हैं। वो चाह रहा है कि चैप्टर का रिवीजन भी करवा दो, पर्सनलाइज लेवल पर उनको हेल्प भी कर दो, कोई मोटिवेशन देना है तो वो भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैं जैसा आपको कहा, मैंने अपने सेकेंड वीडियो में भी कहा था, तो बहुत जल्दी गूगल प्ले स्टोर पर अपना एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ बत्रा सर के नाम से, जिसमें पर्सनलाइज तरीके की चीज़ें भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देने जा रहा हूँ। ये मैं रिवील करूँगा अपने अगले वीडियो में जब मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। तो ये एक तरीके से हमारी इम्प्रूव कस्टमर सर्विस करने का एक तरीका है। ट्रेडिशनल कस्टमर फीडबैक सिस्टम आर गेटिंग रिप्लेस बाय द न्यू सिस्टम डिजाइन विद बिग डेटा टेक्नोलॉजी। उस समय समय पर हमारे को कस्टमर बिहेवियर पैटर्न में जो चेंज हो रहा है उसकी जानकारी दिया करती है। इन दीज न्यू सिस्टम बिग डेटा एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज आर बी यूज टू रीड एंड इवेल्युएट द कस्टमर रेस्पॉन्सेज। ये जो हम कोरा पे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, कि हम गूगल पे जो वॉइस कमांड देके कुछ चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं बिग डेटा एनालिसिस में काम में ली जा रही है कि कस्टमर इस समय क्या सर्च कर रहा है, क्या वो चाह रहा है। तीसरी चीज है, तीसरी और अंतिम चीज राजर इस यूनिट की जो अमेंड हुई है, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। समय रहते आपको जानकारी आ जाएगी तो आप कम रिसोर्स से ज्यादा भी ज्यादा काम कर पाओ, मेरा ऐसा मानना है। शायद पहले से शुरू हो चुका है, COVID-19 की सिचुएशन के बाद तो और ज्यादा शिद्दत से महसूस होने लगा है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग ज्यादा होगा, डिजिटल तरीके की कैंपेनिंग मार्केटिंग के लिए ज्यादा चलेगी, पेपर वाला तरीका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी तो हमने अपने शहरों में ये भी सुना है कि पेपर वाला ही कोविड से संक्रमित हो गया। तो सोचो, अगर पेपर काटने वाला, अगर आपके घर पेपर डाल जाता है वो खुद ही COVID-19 से संक्रमित है, पॉजिटिव पाया गया, तो ऐसे अखबार आप लेना चाहोगे क्या? तो डिजिटल पेपर का चलन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये सब चीजें क्या है, बिग डेटा से पता चलते हैं। आने वाले समय में यूट्यूब के चैनल पर पढ़ेंगे न्यूज के, और इसी तरीके से हमारी अखबारें भी ज्यादा से ज्यादा डिजिटल वर्जन निकालेंगी। शायद आपको बताया होगा मैंने, और नहीं बताया तो आप बता देता हूँ, लल्लन टॉप नाम का एक यूट्यूब का चैनल हुआ करता था जो कि न्यूज को बहुत बढ़िया ढंग से एनालाइज करता था, और अनमेथोडिकल उसका तरीका था, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड नहीं था। आपकी जानकारी में बता लूं, आज तक मैं उसको 700 करोड़ रुपए में खरीद लिया, शायद 700 करोड़ रुपए ऊपर की डील हुई उनके बीच में। ये एक नया शिफ्ट है जो हम देख रहे हैं, और ये सब कुछ चीजें हम बिग डेटा से पता लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजी एंड डेटा वेयर हाउस हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफलोड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, दिस लीडिंग टू द बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो काम नहीं आ रहा है उसको हटाओ डेटा को, या कहीं बैकअप पे रख दो, और जो रेगुलर काम आ रहा है उस डेटा को यहाँ रख लो, तो इस तरीके से अपन अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा पाएंगे। तीन मेजर बेनिफिट हमें नजर आ रहे हैं जो इंस्टीट्यूट अमेंड किए हैं। पहला क्या है, एबिलिटी टू प्रोसेस द बिग डेटा ब्रिंग्स इन द मल्टीपल बेनिफिट जो हमने देखे। सेकंड, इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस, और थर्ड, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो तीन बेनिफिट हो गए, कौन से हो गए भी? पहला बिग डेटा का बेनिफिट, बिग डेटा प्रोवाइड एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डेटा विद मल्टीपल बेनिफिट, सेकंड इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस, एंड थर्ड बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। This completes our chapter number 3. तो तीसरा चैप्टर फिनिश होता है हमारा। अगले वीडियो में आप इंतजार कर रही है हमसे चौथे चैप्टर में, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर में आने वाले अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि एक अमेंडमेंट है लेकिन अमेंडमेंट बड़ा सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे, और आपकी सिचुएशन पर बहुत खराब बैठता है, तो मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके जुलाई या जब भी आपका अटेम्प्ट होगा उसके लिए, आप इसे जरूर तैयार करके जाए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। समझ में? तो मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, जहां हम चैप्टर 4 की बात करेंगे और उसके अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। चैप्टर 3 में एक ही टॉपिक था और यही इसका इंपॉर्टेंट है।